जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टार यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नहीं दो दो कंपनी को, यहाँ पे क्वार्टर वन का रिजल्ट का यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। एंड पहली कंपनी जो होगी दोस्तों वो हमारी एशियन पेंट्स होगी, जिसकी अगर हम बातें करें तो ये अपने सेक्टर में आने वाली, पेंट सेक्टर में आने वाली एक नंबर वन कंपनी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। देन दूसरी कंपनी जो है श्याम मेटेलिक, उसकी अगर बातें करें तो ये अभी हाल ही में लिस्ट होती हुई कंपनी यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है। एंड एक ओवरव्यू दे दूँ तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार, इन दोनों का रिजल्ट यहाँ पे को देखने को मिल जा रहा है। एंड दोनों कंपनियों में इतना मादा है कि यह आपके पैसे को 10 गुना क्या 20 गुना भी कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे होल्ड करने की जरूरत है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करना चाहते हैं तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके लिए आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पर एशियन पेंट्स का यहाँ पे रिजल्ट देखने वाले क्वार्टर वन का, एंड यहाँ पे जितने भी फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे वो सभी रुपीस इन करोड़्स में रहने वाले, तो इस चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड यहाँ पे देखिए जो भी डाटा देखने को मिलेगा वो इस बार का डाटा, यहाँ पे लास्ट क्वार्टर एंड यहाँ पे लास्ट ईयर का डाटा आपको देखने को मिलने वाला है। एंड सभी चीज़ें हम यहाँ पे फटाफट कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको दो दो रिजल्ट का एनालिसिस करना है, तो जिसमें टाइम भी ज़्यादा ना लगे और आपको समझ में आए, तो इस हिसाब से यहाँ पर हम रिजल्ट कवर करने वाले हैं, सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे बताने वाले। तो सबसे पहले टोटल इनकम देखिए, इस बार का 4,891, लास्ट क्वार्टर 5,769, एंड लास्ट ईयर की बातें करें तो 2,498। जो रेवेन्यू है आप देखिए कि ईयरली बेसिस पे काफ़ी शानदार हमको ग्रोइंग देखने को मिल रही है, जबकि क्वार्टरली बेस पे थोड़ी गिरावट हमको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। वहीं पे एक्सपेंसेस की बातें करें तो आप देखिए जो एक्सपेंसेस है वो 4,096 इस बार का हमको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, लास्ट क्वार्टर की बात करें 4,665, एंड लास्ट ईयर की बात करें 2,161। एक्सपेंसेस में भी हम कह सकते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो ईयरली बेसिस पे हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे हम बात करें तो हमको जो एक्सपेंसेस है वो घटते हुए देखने को मिल जा रहा है, जो कि एक अच्छे संकेत है कि रेवेन्यू कम हुआ तो ठीक है, उसी के साथ साथ एक्सपेंसेस भी कम हुआ, जो कि एक अच्छे संकेत यहाँ पे हमको दे देते हैं। देन यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर यहाँ पर हम बातें करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बार का जो प्रॉफिट है वो करीब करीब 596 हमको देखने को मिल जा रहा है। लेकिन वहीं पे लास्ट क्वार्टर की बात करें 819, लास्ट ईयर की बात करें तो 250 हमको करीब देखने को मिल जा रहा है। सो आप देख सकते हैं कि इस बार का जो प्रॉफिट है वो ईयरली बेसिस पे करीब 2 गुना से अधिक हमको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, लेकिन वहीं पे क्वार्टरली बातें करें तो क्वार्टरली हमको अच्छी खासी गिरावट भी यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि 30-35% की गिरावट करीब करीब यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है क्वार्टरली बेसिस पे अगर यहाँ पर हम बातें करें तो। तो देखा जाए तो इनके जो रिजल्ट आया है उसको देख करके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए आराम से यहाँ पे ये कंपनी होल्ड करके चलने वाली कंपनी यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है, जिसका रिजल्ट यहाँ पे काफ़ी शानदार है, जिसका रिस्पांस आज यहाँ पे मार्केट ने दिखा भी दिया है, तो अभी हम उसी पर चलने वाले। उससे पहले ईपीएस की बातें करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ईपीएस है वो इस बार का 6.21, लास्ट क्वार्टर 8.54, एंड लास्ट ईयर 2.63, तो सेम जिस तरह का प्रॉफिट था उसी टाइप का यहाँ पे हमको ईपीएस देखने को मिल जा रहा है। सो अब हम चलते हैं कंपनी के ऊपर। यहाँ पर हम अपनी कंपनी एशियन पेंट्स के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मार्केट ने इनके रिजल्ट का रिस्पांस दिया है, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी के रिजल्ट की बातें करें तो ड्यूरिंग द मार्केट ही आया था, तो आप देख सकते हैं कि करीब 5.5% की रैली यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्ट में जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक ये इनका जो शेयर है वो नॉर्मल देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जैसे ही रिजल्ट यहाँ पे आया वैसे ही एक अच्छी खासी जंप यहाँ पे हमको देखने को मिली, जो कि 5% से ज़्यादा की हमको देखने को मिल जा रही है। देन वहीं पर इस कंपनी की बातें करें दोस्तों, तो एक फंडामेंटल, सुपर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हमको देखने को मिल जाती है, जो कि पेंट सेक्टर में आने वाली नंबर वन कंपनी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। देन वहीं पे इस कंपनी की बातें करें तो एक लार्ज कैप कंपनी भी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। रेवेन्यू प्रॉफिट की अगर बातें करें तो लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल जा रहा है। देन वहीं पे कर्जे की बातें करें तो लॉन्ग टर्म में इनके ऊपर केवल और केवल मान लीजिए 16 करोड़ के आसपास यहाँ पे हमको कर्जा देखने को मिल जा रहा है, तो 16 करोड़ इनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इनका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो आप देखिए 3,00,000 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। देन वहीं पर रिटर्न्स की भी अगर यहाँ पर आप बातें करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनका जो रिटर्न्स है वो 2021 तक का अगर देखेंगे 1999 से, तो 26,373% का रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया है। एंड इस बार का जो भी रिजल्ट है वो भी इतना शानदार आपको देखने को मिल जा रहा है कि अभी भी आप यहाँ पे इस कंपनी को आराम से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। एंड फ्रेश बाय करने वाले अगर फ्रेश बाय की इच्छा रखते हैं तो आराम से आप लोग बाय करके भी यहाँ पे चल सकते हैं।
सो अभी हम यहाँ पर सीधा श्याम मेटालिक के क्वार्टर वन के रिजल्ट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6-3-6 मतलब इस बार का लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट ईयर का डाटा यहाँ पे आपको देखने को मिला। टोटल इनकम आप देखिए 2472 जितने भी फिगर्स होंगे वो करोड़ में होंगे, तो 2472 करोड़ का इस बार का टोटल इनकम है। देन वहीं पर लास्ट क्वार्टर 2359, लास्ट ईयर 915। तो आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू है वो अच्छी खासी क्वार्टरली ईयरली दोनों ही बेसिस पे हमको बढ़ते हुए देखने को मिल जा रहे हैं, जो कि एक गजब की बात है। इस तरह की रेवेन्यू अगर क्वार्टरली ईयरली दोनों ही बेसिस पे बढ़ती है तो मजा आ जाता है ऐसे रिजल्ट को यहाँ पे हमको कवर करने में। देन एक्सपेंसेस की बातें करें तो आप देखें कि 1777 लास्ट क्वार्टर, 1723 एंड वहीं पे लास्ट ईयर की बातें करें तो 759। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी हमको सेम जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला क्वार्टरली एंड ईयरली, तो उसी तरह हमको एक्सपेंसेस भी यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है। देन वहीं पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर यहाँ पर हम बातें करें तो आप देख सकते हो कि इस बार का जो प्रॉफिट है वो 458 करोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। लास्ट क्वार्टर की बातें करें तो 387, लास्ट ईयर की बातें करें तो 80। तो आप देखिए कि इस बार का जो प्रॉफिट है वो ईयरली बेसिस पे अगर आप तुलना करोगे तो करीब करीब आप बोल सकते हो कि 5 गुना से भी ज़्यादा का यहाँ पे जंप हमको ईयरली बेसिस पे देखने को मिल जा रही है। एंड क्वार्टरली भी बेस पे तुलना करोगे तो भी यहाँ पे हमको प्लस ही देखने को मिल जा रहा है, ऐसा आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। तो इस कंपनी की अगर यहाँ पर बातें करें इनके रिजल्ट हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास ये कंपनी है तो आराम से यहाँ पे इस कंपनी को भी यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। इस कंपनी की भी बातें करें तो इसने भी यहाँ पे ड्यूरिंग द मार्केट ही यहाँ पे अपना रिजल्ट पेश किया था, जिसका अगर इम्पैक्ट की बातें करें तो यहाँ पे मार्केट ने इनको दिखा भी दिया है, उसी पे चलने वाले। इसके पहले यहाँ पे ईपीएस की बातें करें तो आप देखिए कि 19.43 एंड 16.60 एंड 3.44। तो जिस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला सेम उसी तरह से यहाँ पे हमको ईपीएस भी देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है। सो अभी हम सीधा यहाँ पर श्याम मेटालिक के ऊपर आ गए हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि 2.5% से ज़्यादा की रैली यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। एंड अगर रैली की बात करें तो रैली उससे ज़्यादा यहाँ पे आई थी। यहाँ पर आप चार्ट पैटर्न में देख सकते हो कि जब तक मार्केट मतलब रिजल्ट नहीं आया था तब तक आप देखिए कि यहाँ पे नॉर्मल सही था, लेकिन उसके बाद एक जंप देखने को मिले, उसके बाद मार्केट में प्रेशर की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। देन वहीं पे श्याम मेटालिक की बातें करें तो यह अभी में हाल ही में आने वाली कंपनी हमको देखने को मिल जाती है, जिसका चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो कि 24 जून से ही हमको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो 24 जून से भी देखा जाए तो करीब 18% का रिटर्न यहाँ पे इसने अपने शेयर होल्डर्स को दे चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। देन वहीं पर अगर हम बातें करें तो ये एक मेटल सेक्टर में आने वाली कंपनी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। तो हाल ही में लिस्ट हुई है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस कंपनी के डिटेल्स किसी के पास यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे दोस्तों। जो भी डिटेल्स होंगे जो आईपीओ में होंगे उस वही डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ही पहले ही बता दिया है। देन यहाँ पे अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो हाँ रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी की बातें करें इस सेक्टर की ही बातें करें तो सभी दिग्गजों का मानना है कि अच्छी खासी रैली यहाँ पे मेटल सेक्टर में आपको हमको देखने को मिल सकती है। सो आराम से अगर आप बाय करना भी चाहते हो तो इस कंपनी को यहाँ पर बाय कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे सब कुछ बयां कर रहे हैं कि आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए। तो रिजल्ट देख करके भी आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि इस कंपनी में बाय करना ही आपको सही ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। सो यही थी हमारी दोनों कंपनियों के रिजल्ट एंड उसके रिलेटेड जितने भी चीजें थी वो सभी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।